अस्सलाम दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है और आज के टॉपिक में मैं बात करने वाला हूं कि जामिया इस्लामिया के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिल करना है और कैसे आप स्कॉलरशिप का लुत्फ उठा सकते हैं। एक एक चीज़ ध्यान से आप देखना, ये भी बताऊंगा कि ये फॉर्म कहाँ मिलेगा और कैसे इसको फिल करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या क्राइटेरिया है। अगर एक एक चीज़ आप नहीं समझेंगे तो फिर इस फॉर्म को आपको भरना बेकार हो जाएगा। तो चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको फोटो लगाने, ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए सारे चीज़ों पे स्टार लगा हुआ है, यानी जहाँ भी स्टार लगा हुआ है सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपको फिल करना है। मैं ये स्कूल के बच्चे का फिल करके बताऊंगा कि मान लीजिए कि स्कूल का स्टूडेंट होगा वो कैसे इस चीज़ को फिल करेगा, उसके ऊपर बताऊंगा, क्योंकि कॉलेज के बच्चों को तो प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन स्कूल के जो स्टूडेंट होंगे उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम कैसे उनको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट फैकल्टी इनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है तो क्या यहाँ पे फीड करेंगे, ये डिपार्टमेंट तो आपको देना ही होगा, ये मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे फोटो कैसे अपलोड करना है तो सारी चीज आपको बताऊंगा, एक एक चीज आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दिया हुआ है, मैं अपना ही फिल करके, मतलब एक डेमो के तौर पे फिल करके आपको बताऊंगा और ये सब डिटेल जो दिया हुआ है कैसे क्या फिल करना है। चलिए अब एक बार आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ, डिस्कस करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज़ को आपको कैसे फिल करना है। अब ये वाला जो कॉलम है ना, इसमें देखिए अपना डिटेल, फादर मदर का जो भी देना है, और ये जो 18 नंबर पे है, 18 नंबर पे यहाँ पे आपको बताना है कि आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए, इसमें क्या क्या लिखना है, वो सारी चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक, इसके अलावा देखिए ये भी 19 नंबर बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि देखिए आपको सबसे बड़ी बात है कि दो चीज़ें ऐसे आपको सबमिट करनी है, जैसे मान लीजिए कि टू रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का मतलब स्टाफ का देना है, अलुमनाई ऑफ जामिया इस्लामिया या अलुमनाई ऑफ जामिया इस्लामिया का, दो जो कि आपको जानते हो और यही तो दे नहीं सकते, तो किसको किसको देना है, कैसे देना, वो सारी चीज़ बताएंगे। नेम डालना है, डेजिग्नेशन उनका डालना है, डिपार्टमेंट डालना है, कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, एक हो गया ये दूसरे बंदे का हो गया। और यहाँ पे आपको फैमिली का इनकम प्रूफ अपलोड करना है, यहाँ पे लेटेस्ट फी स्लिप देना है जो आपको लास्ट में मिला, और यहाँ पे लास्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट आपको अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है, क्या यहाँ पे क्या डालेंगे ये भी सारी चीज़ बताएंगे, एक एक पॉइंट के हिसाब से मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अगर थोड़ी बहुत आप इधर उधर कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। तो चलिए एक एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फिट करना है। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने नाम से आपको यहाँ फिट करके बता रहा हूँ, जैसे मेरा नाम साजिद है, मैं अपना साजिदी नाम सिंपल डाल देता हूँ, वैसे मेरा नाम पूरा मोहम्मद साजिद खान है। ठीक है, तो ये मैं बाद में इसको ब्लर कर दूंगा जो कि आपको देखेगा दिखेगा नहीं। फादर नेम आप यहाँ पे डालना है तो अपना फादर नाम मैं अपना डाल दूंगा। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जैसे मेरा 26 जनवरी 1998 है तो मैंने डाल दिया और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्लड ग्रुप आपका डालना है, अगर आपको आपने अभी तक नहीं कराया है तो कुछ भी यहाँ पे डाल देना, बी पॉजिटिव डाल ही देना। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पता है तो, नहीं तो आपको अपना ब्लड ग्रुप यहाँ डालना है। कोर्स मान लीजिए आप कोर्स की बात करते थे, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे कोर्स के जगह पे 10, 12, 8, 6 जो भी डाल सकते हैं। अगर आप कॉलेज का है तो आपको अपना कॉलेज का है इसको आपको कोर्स डालना है। जैसे मान लीजिए हमें स्कूल का ही फॉर्म भर रहे हैं, कॉलेज वाला तो अपना बीए डाल देंगे, एमए डाल देंगे, एमबीए डाल देंगे, स्कूल वाले का बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कोई 12th का स्टूडेंट है तो यहाँ पे 12 डाल देगा, 11th होगा तो 11 डाल देगा। और डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, जैसे स्कूल वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे स्कूल डालेंगे, डिपार्टमेंट की जगह पे स्कूल डालेंगे। ठीक है, ठीक है, अपना स्कूल यहाँ पे डाल देना है। एंड अगर कॉलेज के स्टूडेंट होंगे तो जो भी आपका फैकल्टी हो फैकल्टी का डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कॉलेज की कोई एमबीए कर रहा है तो आप अपना डिपार्टमेंट डाल देगा, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट या ह्यूमनिटीज। ठीक है, बी एस टू करेगा तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, फैकल्टी में आप डाल देना कौन से फैकल्टी से आते हैं, ह्यूमनिटीज से आते हैं, सोशल साइंस से आते हैं, लेकिन स्कूल वाले बच्चे अपने यहाँ पर फैकल्टी की जगह पर अपने स्कूल के नाम डाल दें, सैयद आबिद हुसैन। ठीक है, मान लीजिए सैयद आबिद हुसैन, क्योंकि उसी का फीस ज़्यादा होता है तो बच्चे उसी का डालना चाहेंगे, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, आपको यहाँ पे फिट कर देना सीनियर सेकेंडरी स्कूल।
उसके बाद इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आता है, तो इनरोलमेंट नंबर कॉलेज के बच्चों का होता है, कुछ स्कूल के भी बच्चों को होता है, वो भी अपना यहाँ पे डाल सकते हैं जो उनको आप इनरोलमेंट नंबर मिला हुआ है। अगर आपके पास है तो डाल देना, नहीं है तो नहीं डालना। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इनरोलमेंट नंबर था तो मैं एक इनरोलमेंट नंबर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। नेशनलिटी पूछ रहा है तो ऑटोमेटिक इंडिया है तो आपको इंडिया डालना है। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है, परमानेंट, तो आपको परमानेंट एड्रेस में आपको आप यहीं का एड्रेस डाल दे तो ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पे आप रहते हैं या जहाँ का आपका इनकम, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपका इनकम सर्टिफिकेट बिहार का, तो बिहार का परमानेंट एड्रेस डालें। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपके यूपी का इनकम सर्टिफिकेट है तो आप यूपी का एड्रेस डालें, क्योंकि तभी तो आप बता सकते हैं कि मैं वहाँ का निवासी हूँ, तो इसलिए मैंने इनकम सर्टिफिकेट वहाँ का डाल दिया। जैसे मान लीजिए मैं अपना कोई भी एक एड्रेस डाल दे रहा हूँ, विलेज जो मेरा गाँव का है डाल देता हूँ, ठीक है। अब तो हमने डाल दिया, ठीक है। अब पिन कोड के साथ डालना है तो हमने पिन कोड के साथ डाल दिया यहाँ पे 84 14 39, ठीक है। अब यहाँ टेलीफोन नंबर पूछ रहा है, अगर है तो डालना है, नहीं तो आपको अपना मोबाइल नंबर ही डाल देना। मैंने मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है। ईमेल एड्रेस की बात करें तो कोई भी आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, तो मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अपने ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। और देखिए फोटो की बात कर रहा है तो फोटो के पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला फोटो है तो मैंने इस वाला फोटो को ले लिया, ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारा फोटो आ गया, आपका भी ऐसे फोटो आ जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, सॉरी स्क्रॉल अप करेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल मांगेगा एग्जामिनेशन का, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपका लास्ट एग्जाम क्या चला कॉलेज के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे, ठीक है। मैं तो स्कूल का बड़ा 12th के पास का, तो 12th वाला का तभी मार्कशीट आया नहीं होगा, 10th वाला का आया होगा। तो जो 10th के स्टूडेंट मार्कशीट आया, जैसे 12th का अप्लाई करा, 10th का स्कोर आया होगा, 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना 10th का यहाँ पे है तो आपने जैसे 10th का डाल दिया, 8th वाला भी डाल सकते हैं, अपना जो भी मार्कशीट है बोर्ड, जैसे जामिया का है आपका, ईयर कौन से पास किए हैं, तो जैसे मान लीजिए 10th वाला 2022 में पास किए हैं, ठीक है, 2022 लिख देंगे यहाँ पे। मार्क्स आपने परसेंटेज में या CGPA लाए तो जो भी डाल सकते हैं। तो आप मान लीजिए परसेंटेज आपका 84 आया होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देना शॉर्ट फॉर्म में, जैसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे मैथ्स, ठीक है, उर्दू, जैसे इंग्लिश, मतलब कोई भी अपना 5 सब्जेक्ट अपना यहाँ पे, उर्दू हटा देते हैं, इंग्लिश लिख देते हैं, फिर साइंस लिख देते हैं एंड SST, ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट हो गया। अब अदर क्वालिफिकेशन पूछ रहा, अगर आपने कुछ किया है तो वहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन लिख दे, या कुछ नहीं किया तो आपको छोड़ सकते हैं, इसको ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने किया तो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज डाल दे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज डाल दिए। इसके अलावा मान लीजिए क्रिकेट आप खेलते हैं तो क्रिकेट डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्रिकेट डाल दीजिए। और आपको सिंगिंग आती है तो सिंगिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा कि अगर आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है तो इस पर फिट करें, नहीं मिला तो आपको छोड़ देना है, ठीक है। एंड फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, अब देखिए यहाँ पे फादर गार्जियन का ऑक्यूपेशन, तो देखिए बेसिकली हम आपको बताऊंगा कि जो आप अपने पापा और गार्जियन का आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिखे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दें, ठीक है, कि छोटा मोटा काम करते हैं। एंड फादर के एनुअल इनकम ये 1,00,000 से ज़्यादा का नहीं, 1,05,000-10,000 तक चल सकता है, ठीक है। तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा उसका प्रूफ होगा जो आप अपलोड करेंगे वो यहाँ पे डालना, तो साल का होता है तो आप 1,00,000 मान के चलिए, यहाँ पे 1,00,000 आपने डाल दिए, 50 डाल दिया। नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर, कितने फैमिली मेम्बर में कितने मतलब मेम्बर हैं, फैमिली में कितने मेम्बर हैं, तो जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 लिख दीजिए। अब यहाँ करें जस्टिफाई योर क्लेम फॉर द स्कॉलरशिप नॉट मोर देन 200, आप यहाँ पर जस्टिफाई करिए कि आपको स्कॉलरशिप क्यों मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक निकाल कर रखा हूँ, यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप इसी को आप याद कर लेना और इसी को डाल देना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये जो मैंने लिखा आपको यही वाला चीज आप यहाँ पे लिख देना, ठीक। देखिए जब मैं इसको पेस्ट कर देंगे तो आपको क्या लिखा हुआ है मैं आपको एक बार रीड आउट करके बता दूँ, बस ऐसे ही आपको इसको याद भी कर लेना क्योंकि इंटरव्यू में आपको पूछ भी सकता है, तो इसको आप हिंदी इसका ट्रांसलेट कर लेना उसके बाद लिख लेना। एक बार मैं रीड आउट कर देता हूँ, फाइनेंशियल नीड, securing this scholarship would greatly alleviate the financial burden on me and my family, allowing me to focus
होल हार्टेडली ऑन माई स्टडी विदाउट द स्ट्रेस ऑफ फाइनेंशियल कंस्टेंट इट विल इनेबल मी टू एक्सेस रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी डेट माइट अदरवाइज बी आउट ऑफ रीच। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे उसके बाद आएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि आप दो इम्प्लॉय कहाँ से लिखेंगे, कैसे। तो मान लीजिए किसी स्कूल में आप हैं, तो आप अपने स्कूल के किसी भी दो टीचर के नाम यहाँ पे और उनका नंबर डाल सकते हैं, किसी भी दो टीचर के, आपको वो जानते हो या ना जानते हो। मान लीजिए आपके क्लास टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, तो किसी भी दो स्टाफ का आपको यहाँ पे नाम डाल देना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं इवें एक तौफीक डाल देता हूँ, ठीक है, तौफीक, ठीक है। डेजिनेशन का क्या है, मतलब मान लीजिए इंग्लिश टीचर है तो इंग्लिश टीचर लिख देते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट क्या है, स्कूल लिख देंगे, स्कूल ही लिख देंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर हम अपना कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। एंड दूसरा मान लीजिए यहाँ पे शहजाद हो गए, शहजाद सर, ठीक है। तो आपको सर लगाना है, उनके नाम क्या है, सर लगाना है, ठीक है। तो अब डेजिनेशन क्या है, वो मैथ्स टीचर है, ठीक है, मैथ्स टीचर हो गए। डिपार्टमेंट क्या है, उनका स्कूल हो गया, ठीक है। अगर स्कूल वाले बच्चे, कॉलेज वाला अपना कॉलेज डालेंगे। नंबर आपको सेम मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, वही नंबर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना, अपलोड योर डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट में क्या है, यहाँ फैमिली इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए फैमिली सर्टिफिकेट ये है, तो मैंने इसको आजमी वाला जो है इसको अपलोड कर दिया, ठीक है, ये मैंने ले लिया। लेटेस्ट फी स्लिप अभी जो आपको मिला आपको यहाँ से अपलोड कर देना है, इसको आपने अपलोड कर दिया। लास्ट एग्जामिनेशन मार्कशीट, जो अभी आपके पास मार्कशीट है 10th का, 12th का, 9th, 8th का, या BA का, MA का, कोई भी, यहाँ से उसको अपलोड करना। तो मैं इसी को अपलोड कर दूँ, बस डेमो के तौर पे मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप अपना डेट डाल दीजिए कि आज का डेट डाल दीजिए कि मैंने आपने जो भी फिट करा है वो आपके नॉलेज में है, सारी चीज़ें आपने बेहतर फिट करा। तो आज 15 है, 15 ले लिया। और यहाँ प्लेस जहाँ से आपने भरा है, तो दिल्ली, तो यहाँ पर दिल्ली डाल दिए। अब बिहार से भरा है तो बिहार डाल देना, यहाँ पर डेमो था, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट कर देंगे, ठीक है। आप सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म क्या कह रहा है, योर फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल, आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू। अब कह रहा है कि हमने फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट कर दिया, हमारे टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जामिया कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी फर्दर आपको प्रॉब्लम होती तो आप बताइए, आपकी हेल्प की जाएगी और आपकी पूरी उसमें हेल्प की जाएगी, जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। मैं मोहम्मद साजिद खान, दुआ में याद रखें। डेट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।